स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल छोटे अपडेट में। आइए बात करते हैं यहाँ पे एक नई अपडेट के बारे में और नई वैकेंसी से रिलेटेड, जो कि ये आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर तरफ से निकाली गई है, जिसमें से ये आपका देख पा रहे हैं कि एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की तरफ से यह आपका यहाँ पर निकाला गया है। इसके बारे में बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। बात कर लें यहाँ पे वैकेंसी किस लेवल की है, तो वैकेंसी नोटिस फॉर नॉन फैकल्टी पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे देख सकते हैं जो ये आपका यहाँ पे टोटल पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 10 पोस्ट निकाली गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला पोस्ट की अगर बात करें तो ये आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। दूसरा की बात करें तो सुपरटेंडिंग इंजीनियर का है। एक्सिक्यूटिव इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल से है रिलेटेड, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर जो कि सिविल से रिलेटेड, रजिस्ट्रार का है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑफिसर असिस्टेंट का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पर्सनल असिस्टेंट का है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑफिसर सब ये आपका सुपरटेंडेंट का है और अपर डिवीज़न क्लर्क का है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है, ये ग्रुप जो है ए लेवल का है, देख पा रहे हैं 5 पोस्ट टोटल ये। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं कि ये जो है 4 पोस्ट जो है ग्रुप बी लेवल की है। ठीक है, और लास्ट जो है क्लर्क का अपर डिवीज़न, ये सी लेवल का ग्रेड का पोस्ट है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी वेतन की, तो ये आपका यहाँ पे ग्रेड जो भी यहाँ पर मैंशन किया गया है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया होनी चाहिए सारे यहाँ पे पोस्ट की। पहला पोस्ट की बात करें तो मेडिकल सुपरटेंडेंट की अगर बात करें तो ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो ये मेडिकल क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल फॉर, ये आपका शेड्यूल जो होती है मेडिकल से रिलेटेड, वो आपका यहाँ पर डिग्री क्लियर होनी चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कि एमडी एमएस के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये आपका दिया गया है कि एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, जैसे कि 10 ईयर या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ये आपका हॉस्पिटल में जैसे कि कार्य करने का। ठीक है, साथ ही यहाँ पे सेकंड पोस्ट की अगर बात करें तो ये सुपरटेंडिंग इंजीनियर का है, जिसमें से सुपरटेंडिंग इंजीनियर जो कि सिविल से रिलेटेड होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे और एक्सिक्यूटिव इंजीनियर होना चाहिए, 5 इयर्स रेगुलर सर्विस आपका यहाँ पे होना चाहिए, वैसे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद एक्सिक्यूटिव इंजीनियर की अगर बात करें तो वो यहाँ पे दिया गया है होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एक्सिक्यूटिव इंजीनियर सिविल ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, साथ ही यहाँ पे दिया गया और असिस्टेंट इंजीनियर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 8 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका एक्सिक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का दिया गया है, जैसे कि होल्डिंग ऑन द एक्सिक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑन रेगुलर बेसिस, साथ ही असिस्टेंट इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 8 साल का यहाँ पे आपका ये देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रजिस्ट्रार का दिया गया है जो पोस्ट है, रजिस्ट्रार की अगर बात करें तो ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ऑफिशियल अंडर द ये आपका सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ये आपका रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि देख सकते हैं। साथ ही ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 7 साल की एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर रिलेटेड रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं छठा, इसमें आपका यहाँ पे दिया गया है कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की दी गई है। इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे ये आपका एमबीए पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऑफ के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और उसके साथ दिया गया है नॉलेज होनी चाहिए आपको, जैसे कि गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन की कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं सातवां की, तो ऑफिसर असिस्टेंट का है, ये आपका यहाँ पे दिए गए एलिजिबल क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट का दिया गया है, जिसमें से आपका यहाँ पर दी गई है, जैसे कि इससे रिलेटेड भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ऑफिसर्स, ये आपका सुपरटेंडेंट की दी गई है, इसमें भी आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर आपका यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं और क्या कुछ दिया गया है, ये फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट कराना है और इसे अच्छी तरह से फुलफिल करके आपको जो है बाय पोस्ट जो है आपको यहाँ पे फुलफिल करनी है। ठीक है,
कैसे करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ नीचे देखते हैं क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। वो आपका यहाँ पे मेंशन की गई है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ठीक है, ये यहाँ पे सबमिट करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे कि देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबल क्राइटेरिया एप्लीकेशन थ्रू द, ये आपका दी गई है, ठीक है, जो कि ये आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवगढ़, ये आपका पता दिया गया है। इस पता पे जो है स्पीड पोस्ट करनी है, ठीक है, या रजिस्ट्री के माध्यम से आप यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको इजीली प्रिंट आउट कराना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू डाउनलोड करके आप इसे अच्छी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था, धन्यवाद।